माई चैनल लाइफ एब्रॉड। मेरा नाम है तानिया एंड अभी हम बाहर हैं कॉफ़ी शॉप में एंड कॉफ़ी पी रही है। मेरा भाई है जो कि ठूस रहा है। ध्यान से देखिए इस मनुष्य कट। सो अभी हम ऐसे ही बस थोड़ी देर घूमने आए थे। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अभी एक्चुअली शाम का टाइम हो रहा है तो ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, बस गिनती के 3-4 लोग हैं। व्हाटएवर, इसको 10 बार दिखा चुकी हूँ। क्या खा रहा है? बेगल। बेगल खा रहा है। बेगल कनाडा में आके तो बेगल खाने लग गया। तूने ओपनिंग में वेलकम बैक टू माय चैनल की जगह वेलकम बैक टू टिम हॉर्टन्स करना शुरू कर दे। यार वैसे हम टिम हॉर्टन्स को ज्यादा ही नहीं आते। हम नहीं, पूरे कनाडा में ना लोग यहाँ पे इतना ज्यादा टिम हॉर्टन्स में आते हैं ना कि क्या ही बताऊं। तो रहन दो फिर। मतलब यहाँ पे कॉफी लोग जैसे इंडिया में लोग चाय पीते हैं ना, वैसे यहाँ पे लोग कॉफी पीते हैं शायद उससे भी ज्यादा। और बाहर की ही पीते हैं, ये भी नहीं कि घर की पीनी है ज्यादा, मतलब बाहर की ही पीनी है, टिम हॉर्टन्स की या मैकडोनल्ड्स की। बैड हैबिट। स्टारबक्स नहीं, इतना भी नहीं करना। तो पेट खराब हो जाएगा। कूड़े वाले भैया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बाहर निकल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में इसको गालियां देना क्योंकि इसने अपना कप नहीं फेंका। यार टिम हॉर्टन्स में मैं काम करती हूँ और टेबल पे सब अपना कूड़ा छोड़ देते हैं। मैंने कहा मैं भी छोड़ूंगी। नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर है और मौसम बहुत ठंडा है और मैं आपको आसपास का व्यू दिखाती हूँ। हवा चल रही है। गैस स्टेशन आ गया है और यहाँ पे सब अपना पेट्रोल खुद भरते हैं। समर्स में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी बट विंटर्स में अपनी कार से निकल के इतनी सारी स्नो में खुद उठ के बाहर निकल के पेट्रोल भरना इज अ वेरी बिग टास्क। ये मेरे पास इतने सारे कॉइन्स हैं, अब कहीं तो मैं उनको यूज करूंगी ना। यहाँ पे 5 सेंट्स, 10 सेंट्स, 25 सेंट्स, इतने छोटे छोटे कॉइन्स हैं, उनका यूज ही नहीं समझ आता कि कहाँ यूज करूँ उनका। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक पास में चॉकलेट बीच है, 20 मिनट्स है बस से, तो देखते हैं अभी खुली है या नहीं खुली। गूगल पे तो दिखा रहा है कि खुली है, लेट्स सी वहाँ जाके क्या दिखता है हमें। अनमोल बहुत कम दिखते हैं, पालतू ही होते हैं ज्यादातर, बहुत कम दिखते हैं। आई मिस द डॉग्स इन इंडिया। बट आई हैव अ डॉग हियर। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हमें तो लगा गर्मी है बट ठंड हो रही है। बस की वेट कर रहे हैं हम। पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी है क्या ही बताऊं। तो रहन दो फिर। चॉकलेट लेक बीच हेलीपैक्स सामने, यहाँ पे योगा स्पिन मसाज बुटीक पता नहीं क्या क्या है, और यहाँ पे टॉयलेट्स हैं। आपको मैं पूरा नक्शा बता रही हूँ यहाँ का।
सो अभी हमें यहाँ पे 4 महीने हो गए हैलिफैक्स आए हुए और हम एक बार भी बीच नहीं गए हैं, बस सोचते रहते थे कि बीच जाएंगे बट आज फाइनली प्लान बन ही गया। थिंक यहाँ से एंट्रेंस है, तो अभी हम जा रहे हैं बीच के अंदर। बास्केटबॉल कोच बना हुआ है और यहाँ से आई थिंक रूट है, और यहाँ पे तो अभी पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है, पता नहीं बीच कहाँ पे है। लेट्स सी, बहुत ठंड है यार, पर अभी तक दोपहर तक तो इतनी गर्मी थी, 20 डिग्री था, और अब यहाँ पे वेदर का कुछ पता ही नहीं लगता, मतलब कभी ठंड कभी गर्मी, एक एक घंटे में चेंज। पानी तो दिख रहा है लेकिन बीच नहीं दिख रही है। ये कैसा रूट है, धीरे ही चलना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे रात को आने में कितना डर लगेगा ना, फिर बीच फाइनली। हम बीच पे पहुंच चुके हैं, मैं आपको बीच का व्यू दिखाती हूँ, चॉकलेट बीच का। आई डोंट नो यहाँ पे चॉकलेट नाम क्यों दिया बीच का। बहुत छोटी सी बीच लेक जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे व्यू। फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी फिसलन है ना, अभी मैं गिरते गिरते बची हूँ, पूरी भीग जाती, मुझे स्विमिंग करनी भी नहीं आती है। क्या करता अगर यहाँ पे मैं डूब जाती तो वहाँ पे लोग स्विमिंग करते तुमको बुलाते। हे भगवान। एनीवेज मिट्टी के लिए ना यहाँ, इसलिए इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू एंड बहुत ज़्यादा ठंड लगी। सो हमने बीच का एंजॉय कर लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस बस के लिए, क्योंकि बस है अब 2 मिनट में। सो रन। ओए अगर तू यहाँ से गिरा ना मैं बचा नहीं पाऊंगी तुझे, किसी भी तू नहीं बचा पाएगी। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, ये देख जरा यहाँ पे ना रेलिंग्स होनी चाहिए वैसे। अभी यहाँ रात के 9:30 हो रही है एंड स्टिल देखो कितना लाइट है, कितना चानना है। तभी कहते हैं सेफ कंट्री है। वेटिंग फॉर बस